मां काली के अपमान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, विवाद का जिक्र किए बगैर बोले, भारत पर हमेशा से है मां काली का आशीर्वाद, मां की चेतना में पूरे भारत की आस्था। पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी बनाम टीएमसी, अमित मालवीय का आरोप, मां काली का अपमान करने वाली सांसद का बचाव कर रही है ममता, महुआ ने भी ट्वीट से किया पलटवार। महाराष्ट्र के बाद गोवा में बड़ी सियासी उठापटक की सुगबुगाहट, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कामत समेत कांग्रेस के 6 से 10 विधायक, राज्य में कुल कांग्रेसी विधायकों की संख्या है 12। श्रीलंका में अराजकता का राज, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास समेत कई सरकारी जगहों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, श्रीलंका भारत के मजबूत संबंध। श्रीलंका के समर्थन में आई कांग्रेस, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से की मदद की अपील, उन्होंने आशा की है कि श्रीलंका जल्दी आर्थिक संकट से उबरने में सक्षम होगा। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सोमवार को आएंगे जयपुर, सीएम गहलोत, डोटासरा और विधायकों से मांगेंगे समर्थन, शाम 5 बजे होटल खलाकामे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। गुजरात में मानसून की बारिश से नदियों में उफान, नवसारी में तेज धार में डूबी नाव, जूनागढ़, वलसाड और नर्मदा जिले में घरों में घुसा बारिश का पानी। परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद का त्यौहार, मस्जिदों में मांगी गई अमन चैन की दुआ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सीएम गहलोत ने भी दी बधाई। टीएमसी विधायक का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को भी करना पड़ेगा श्रीलंका जैसे हालात का सामना, टीएमसी विधायक सियालदह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन समारोह के बारे में बात कर रहे थे। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर बीएमसी ने दिया जवाब, कहा 1 अप्रैल से 7 जुलाई 2022 तक भरे 7211 गड्ढे, अभी हाल के दिनों में सड़कों पर गड्ढों की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोगों ने बताया कि महसूस किए गए झटके ज्यादा तीव्र थे, क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं हो रही कम, सामने आए 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस, 42 लोगों की मौत, वैक्सीनेशन 199 करोड़ के करीब पहुंचा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई थी फायरिंग। यूपी के संभल जिले में बड़ा सड़क हादसा, यहां 2 बाइक्स के बीच टक्कर हो गई, इसमें 4 युवकों की मौत हो गई, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लास्टिक को लेकर चिंता जाहिर की है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा संख्या में प्लास्टिक होगी, प्लास्टिक कचरा समुद्र में गिराए जाने के कारण समुद्रों में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है, चक्रवाती हवाओं के कारण देश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर और पश्चिम भारत में मॉनसून की आवक ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन साथ ही कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से 128 गांवों से संपर्क टूट गया है। दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, रेड अलर्ट के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लोगों से सावधानी बरतने और घर में ही रहने की अपील की। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई और मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भारत और जर्मनी समेत 9 देशों में रह रहे अपने राजदूतों को हटाने का फैसला किया, हालांकि राजदूत क्यों हटाए गए ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मुंबई के हरी क्षेत्र आरे में मेट्रो रेल कार शेड के निर्माण का विरोध बढ़ता जा रहा है, आज शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन में वे शामिल हुए, साफ तौर पर कहा कि हमसे अगर उन्हें कोई गुस्सा या नाराजगी है तो उसे मुंबई पर ना निकाला जाए। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने झुंझुनू प्रवास के अंतिम दिन में रानी सती दादी के दर्शन किए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे। माउंट आबू में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, अरुण सिंह, सतीश पूनिया की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर मंथन, वी सतीश, चंद्रशेखर, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित 248 प्रशिक्षणार्थी इसमें शामिल हुए। भीलवाड़ा में बेकाबू रफ्तार की कहर, तेज रफ्तार ट्रक और 6 वाहनों की चपेट में उसने ले लिया, हादसे में मौत की खबर भी है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। जयपुर के नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर, 1 हफ्ते के बीमार सफेद बाघ चीनू की मौत, पिछले साल 17 मार्च को ओडिशा से जयपुर लाया गया था चीनू। जयपुर के सांगानेर के डॉक्टर भवनीत अवस्थी सेना के कठोर अनुशासन में रहकर प्रशिक्षण लेकर एनसीसी एएनओ बने हैं, अवस्थी कई सालों से बच्चों को एनसीसी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिगाना में ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, मौलाना गुलाम रसूल ने त्यौहार के बारे में विस्तार से सभी को इसकी फजीलत बताई।
पाली के सुमेरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाई। ईद की विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। जैसलमेर के भड़ियाना में ईद उल अजहा पर हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। किसान नेता रणवीर सिंह उदारा के नेतृत्व में सैकड़ों हिंदू भाई ईदगाह पहुंचे, मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। टोंक शहर के बहीरी इलाके में स्थित ईदगाह में नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज अदा की। देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। कोटा के रामगंज मंडी में आकाशीय बिजली गिरने से दुधारू भैंसों की मौत हो गई। घटना सुकेत थाना क्षेत्र के झीरी गांव की है। किसान रामस्वरूप गुर्जर की दो भैंसें गांव के ही पासी मशालपुरा के जंगल में चरने गई थी। दोनों ही भैंसों की कीमत करीब 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वही टोंक में पूर्वी राजस्थान केनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाए जाने की मांग की गई। इसे लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। उदयपुर के हिरण मंदिर सेक्टर 4 जैन मंदिर के सामने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। न्यू आर के ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात की गई। भरतपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च के दौरान शहर के लक्ष्मण मंदिर से बुलेट बाइक को जब्त किया। बाइक पर पीछे की नंबर प्लेट की जगह अशोक स्तंभ लगा हुआ था। खेतड़ी में केसीसी के सनातन धर्म मंदिर में 9 दिवसीय जगन्नाथ पूजा का समापन भंडारे के साथ हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हवन करवाकर पूजा अर्चना के बाद भगवान को प्रसाद का भोग भी लगाया गया। ब्यावर में अजमेरी गेट और सेंदड़ा रोड से शराब की दुकानों पर पुलिस ने दबिश दी। 4 लोगों को अवैध रूप से शराब की दुकान पर बैठकर शराब का सेवन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। ब्यावर शहर के नंदनगर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठित की जाने वाली बाबा रामदेव और श्री परिवार की मूर्तियों की शोभा और कलश यात्रा निकाली गई। ब्यावर में शराब विक्रेताओं ने दुकानें सांकेतिक रूप से बंद कर आबकारी विभाग के बाहर आक्रोश जताया। शराब की बोतलों से शराब गिराते हुए आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया कि शराब बिक्री की प्रतिदिन गारंटी का दबाव है। पंचअग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर ईश्वर आनंद महाराज ने कहा कि नुपुर की बयानों को लेकर जो घटनाएं घट रही हैं वे निंदनीय है और ऐसी घटनाओं को कोई भी समाज या धर्म स्वीकार नहीं करता। भीलवाड़ा में ईद के मौके पर शहर में मुख्य नमाज रविवार को ईदगाह पर अदा की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सांगानेरी गेट स्थित ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। बारा के अंत में रेलवे फाटक के पास की कॉलोनी में नाला अवरुद्ध होने के कारण घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे घुसाए लोगों ने नगरपालिका चेयरमैन के घर के सामने प्रदर्शन किया। बेलेश्वर धाम में होने वाले शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में सहयोग के लिए पंचाल समाज 14 चौखरा की त्रैमासिक बैठक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। झालावाड़ में गुजरात कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ प्रभारी शरेंद्र यादव उर्फ कालू यादव का जन्मदिन सादगीपूर्ण मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर शरेंद्र यादव ने सारोला कस्बे के लिए गौशाला को इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग ऑटो भेंट किया। धौलपुर के मरिया थाना क्षेत्र में सकतपुर चौराहे के पास ट्रक में टेम्पो घुस गया। ट्रक में टेम्पो के घुस जाने से टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान के जयपुर में संगठन पदाधिकारियों और सदस्यों की मासिक मीटिंग हुई। संगठन के उद्देश्यों विस्तार मजबूती और आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श हुआ। भीलवाड़ा में परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंची महिला पैर फिसलने से बहती नदी में गिर गई। नदी में अचानक बहाव बढ़ने से हड़कंप मच गया। मनाली नदी में बहती महिला को एक बुजुर्ग ने बाहर निकाला। धौलपुर के सैंपऊ में युवक विशाल के हत्याकांड में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने गंभीरता दिखाई। घटना में शामिल 3 आरोपियों को सैंपऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 दिन पहले खपरैल के पास पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। महवा थाना पुलिस ने मुख्य बाजार में शराब पीकर उत्पाद मचाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों ने आपस में उलझ कर भी उत्पाद मचाया। बाड़मेर के समदड़ी में राज्य आयुक्त विशेष योगीजन उमाशंकर शर्मा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों की समस्याएं भी सुनी। कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। सिरोही के माउंट आबू में भाजपा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में सांसद दिया कुमारी पहुंची। माउंट आबू नगर पालिका टोल नाके पर करणी सेना ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष सुजान सिंह वडवच के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। महवा में शिव कांवड़ सेवा समिति गैनोली के तत्वावधान में 13वीं कांवड़ यात्रा गांव के महादेव मंदिर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई। इस दौरान रवाना हुए कांवड़ियों का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। जमकर जयकारे लगाए गए।
दौसा जिले के भांडारेज मोड़ स्थित संन्यास आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक स्वामी राजेश्वरानंद ने 52 अवतार राम अवतार की कथा सुनाई। विवेक चैतन्य महाराज ने बताया कि इस दौरान कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सवाईमाधोपुर में ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा का पर्व रविवार को बारा में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। मांगरोल रोड स्थित ईदगाह पर शहर काजी अब्दुल कयूम ने मुस्लिम समुदाय के भाइयों को नमाज जो है वो अदा करवाई। उदयपुर में ईद की नमाज अदा की गई। चातक चौराहे पर स्थित फलतन मस्जिद के बाहर ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। धौलपुर में बारिश के बीच मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया। हालांकि बारिश के चलते मुख्य नमाज को लेकर सामूहिक नमाज अदा करने में कुछ खलल पड़ गया, लेकिन बारिश से दिल की उमंग और उल्लास में कोई कमी नहीं आई। ईद उल जुहा के त्योहार को लेकर सिरोही में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। बरूद गांव में मौलाना इलियास अकबरी ने ईद उल जुहा की नमाज अदा करवाई। देश में अमन चैन और भाईचारा बरकरार रखने की दुआ मांगी। नागौर में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में शहर काजी मेराज उस्मानी ने नमाज अदा करवाई। इस दौरान नमाज अदा कर नमाजियों ने अमन चैन की दुआ मांगी। वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में बाल मंदिर शिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह में शिरकत की। कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। जयपुर के सांगनेर में बीजेपी ने जयपुर त्याग दक्षिण की जिला कार्यकारिणी में ब्रजेश लाठर को महामंत्री बनाया है। कांता सोनवाल और अंतिम चेतित को जिला मंत्री नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष रामानंद गुर्जर ने बताया कि कुल 21 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी की घोषणा की गई है। भवानी मंडी के सूलिया गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। खेत में जानवरों को भगाने के लिए युवक गया था और कुछ समय पहले युवक की शादी भी हुई थी। सीकर में ईद का त्यौहार बड़े ही सौहार्द के साथ मनाया गया। ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयां दी गई। भरतपुर में ईद पर कुमेर गेट स्थित ईदगाह में एक साथ सैकड़ों सिर सजदे में झुके, साथ ही हजारों हाथ खुदा की इबादत में उठे। वतन की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान ईदगाह पर सुबह 8 बजे मौलाना आबिद ने ईद की नमाज अदा करवाई। बूंदी में ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। शहर के नवल सागर झील के किनारे स्थित ईदगाह मैदान में शहर के मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए। सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। झालावाड़ जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह परिसर में नमाज अदा की। टोंक में मानसून की जमकर मेहरबानी रही। टोंक शहर में करीब 2 घंटे तक झमाझम बारिश हुई और इसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई है। पाली में रानी के प्रताप बाजार में दरगाह में ईद की नमाज अदा की गई। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते एक दूसरे को ईद की बधाई दी। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल जाप्ता जो था वो तैनात यहां रहा। पाली के देसोरी में ईदगाह पर इमाम मौलाना आयुब ने ईद की नमाज सैकड़ों लोगों को अदा करवाई। एक साथ हाथ उठाकर देश में अमन चैन और अच्छी बारिश की दुआ मांगी है। उदयपुर में हर वर्ष की भांति इस साल भी भगवान महाकाल के नगर भ्रमण को लेकर ट्रस्ट प्रबंधक के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान महाकाल यात्रा के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। झुंझुनू शहर का गंदा पानी मुसीबत बनता जा रहा है। बीड़ में इकट्ठा गंदा पानी ट्रीट होकर आस पड़ोस के किसानों को मिलेगा। ये सिर्फ कागजों में चल रहा है। कलेक्टर ने कुछ दिनों पहले समाधान को लेकर भले सख्त निर्देश दिए, लेकिन कोई काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गंदा पानी जो था उसको सही करने का एक ट्रीटमेंट था, लेकिन फिलहाल वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। धौलपुर के कोतवाली और नियालगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह रेल की पटरियों पर एक महिला और पुरुष का शव मिला। शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल शिनाख्त की जा रही है। सिरोही में कोतवाली थाना क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस के पास खनिज विभाग ने अवैध बजरी के परिवहन पर कार्रवाई की। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। कार्रवाई को लेकर बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। शिवगंज राजकीय महाविद्यालय में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला प्रभारी और एसडीएम भागीरथ रामचौधरी ने बताया कि करीब 500 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने बाइक को चोर गिरोह के सरगना और उसके साथी को अदालत में पेश किया। उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक्स बरामद कर ली है। इससे पहले 11 बाइक्स भी बरामद की गई थी। सवाईमाधोपुर की बोली में झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। तहसील कार्यालय पर 32 mm बारिश दर्ज की गई। अच्छी बारिश के बाद मुख्य बाजार में सड़कों पर पानी बह निकला।
नागौर की रियाबड़ी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चैकिंग की गई। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा और एसएचओ सुमन चौधरी ने एनएच 89 के पादुकला चौराहे पर वाहनों की चैकिंग की और 10 वाहनों के चालान भी काटे गए। दरअसल पाली में सुमेरपुर के साकेत आश्रम रोड पर सैकड़ों नमाजी सज धज कर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस दौरान सुमेरपुर सब इंस्पेक्टर डीएसपी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नागौर के कुचामन सिटी के पास पुष्कर जाते समय दर्दनाक हादसा। इनोवा कार और ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई, 5 घायल हो गए, सभी लोग एक ही परिवार के थे। अलवर में त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वावधान में जगन्नाथ जी महाराज की महाआरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। समिति अध्यक्ष खेड़ापति जितेंद्र ने आमजन से कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस पुण्य अवसर का लाभ उठाने की अपील की। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जल्द आना शुरू हो जाएगी। परिवर्तित मार्ग का अंतिम सीआरएस खारवा से लेकर जैसलमेर तक का हुआ है। ऐसे में अब जल्द ही निरीक्षण की मंजूरी मिलने के बाद फिर से ट्रेन दौड़ने लगेगी। राजसमंद में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद भीम कस्बे में उपद्रव के बाद नमाजियों ने ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोहनगढ़ स्थित ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन चैन और शांति की कामना की गई। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाइयों ने दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। मकराना में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान सहित सभी मस्जिदों में अकीदत के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। बिनाय पुलिस थाने की कार्यशैली से नाराज वकील सोमवार से आमरण अनशन पर बैठेंगे। 5 महीने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से वकील नाराज हैं। बार एसोसिएशन के राय ने पुलिस महानिदेशक को पूर्व में ज्ञापन भेजकर भी गिरफ्तारी की मांग की थी। सिरोही के शिवगंज केसरपुरा रोड स्थित दरगाह पर मोमिन भाइयों ने ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। ब्यावर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। अमन चैन और तरक्की के साथ नमाजियों ने अच्छी बारिश की दुआ भी मांगी। कुर्बानी और त्याग का त्यौहार ईद उल अजहा डिडवाना में अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह ने नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। फतेहपुर में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। कोटा के रामगंज मंडी में बारिश के चलते मस्जिदों में नमाज अदा की गई। रामगंज मंडी में जामा मस्जिद, मेमुना मस्जिद, गरीब नवाज मस्जिद में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी गई। नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। झुंझुनू के खेतरे में ईदगाह पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस दौरान अमन चैन शांति की दुआ मांगी गई। नमाज के दौरान पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। राजधानी जयपुर के जोबनेर में ओजोन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जाट परीक्षा 2022 में टॉपर्स रहे छात्रों और उनके अभिभावकों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। उन्हें माल और साफा बांधकर बधाई दी गई। झुंझुनू में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद के पर्व पर लोगों ने फतेहपुर रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा की। शहर काजी इरशाद ने नमाज की अदा करवाई। इस दौरान प्रशासन रहा मुस्तैद। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में एक जगह नहीं हो सकी ईद उल अजहा की सामूहिक नमाज। मूसलाधार बारिश के चलते मस्जिद और घरों पर हुई नमाज। रावतभाटा की मदीना मस्जिद और जामा मस्जिद में हुई सामूहिक नमाज। जामा मस्जिद में मौलाना जुल्फिकार अहमद ने अदा करवाई सामूहिक नमाज। अजमेर के पिस्तांगन में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी मस्जिद के मौलाना अब्दुल हमीद घोड़ी पर सवार होकर ईदगाह पहुंचे, नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी प्रियंका बड़गुजर, डेप्यूटी ग्रामीण इस्माइल खान सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सिरोही में ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रेलर की केबिन में फंस गया। वहीं 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर घायल चालक को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। गोपालगढ़ के खिड़ापा पीठाचार्य पुरुषोत्तम दास महाराज का शोभा यात्रा के साथ स्वागत किया गया। पीठाचार्य का पिपाड़ में चातुर्मास में भाग लेने के दौरान गोपालगढ़ कस्बे के डाक बंगले के पास स्वागत किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। काजी मोहम्मद अकरम उस्मानी के नेतृत्व में ये नमाज अदा करवाई गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। एसडीएम भागीरथ चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर के मकराना में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। ईदगाह मैदान सहित सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सांगानेर के वाटिका में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने फूल और औषधियों के पौधे लगाए। स्वयंसेवकों ने 101 छायादार पेड़ों के पौधे लगाने के काम का भी शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ईद का पर्व मनाया गया। ईदगाह और हजरत दीवाना शाह की दरगाह में ईद उल अजहा का सामूहिक नमाज अदा की गई। शहर काजी मोहम्मद सईद ने अता करवाई ईद उल अजहा की नमाज। लोगों ने मांगी अमन चैन की दुआ।
पोखरण में ईद उल अजहा का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। मुख्य ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर हिंदू भाइयों ने ईद की बधाई दी।